तो दोस्तों ये जो सामने आपको बंगला दिख रहा है ये है बॉलीवुड के विलन के रोल निभाने वाले किरण कुमार जी का। तो आज इन्हीं के बंगले को हम आपको अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं किरण कुमार जी के घर को, जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी सारे फिल्मों में विलन का रोल निभाए हैं। तो वो आखिरकार मुंबई में कहाँ पर रहते हैं, किस लोकेशन पर रहते हैं और वो जिस घर में रहते हैं उस घर का क्या नाम है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के स्टार और सुपर स्टार के घर का वीडियो लेकर आते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते स्टार्ट और आपको दिखाते किरण कुमार जी के घर को। तो दोस्तों फाइनली हम किरण कुमार जी के बंगले के पास आ गए हैं और यहाँ पे सामने आप लोगों को एक ब्लैक कलर का गेट दिख रहा होगा, यही इस बंगले का मेन गेट है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए इनके बंगले में पूरा हरियाली यानी कि ग्रीनरी लगाया गया है और इनके खिड़की पर भी देखिए पूरा छोटे छोटे गमले में फूल पौधे लगाए गए हैं, जो कि और इनके छत पर भी पूरे ऊपर भी फूल और पौधे लगाए गए हैं। इनके छत पे पूरा ग्रीनरी पूरा यहाँ पे लगा हुआ है और इनके बंगले का डिज़ाइन देखिए कितना शानदार है और हर जगह फूल का पेड़ लगाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं इस घर को पूरा व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और ये घर कितना शानदार आप लोगों को दिख रहा है। ये नीचे का फ्लोर है आप लोग देख सकते हैं और एक ऊपर का फ्लोर है और एक उसके ऊपर है, यानी कि ये थर्ड फ्लोर का ये बंगला है। और ये जो आप लोगों को रास्ता दिख रहा है ये मेन रास्ता, इसी से हल्का सा आगे जाएंगे तो बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास भी चले जाएंगे और अभी हम वहीं से आए हैं इनके घर के पास। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके घर को कितना शानदार तरीके से इनका घर दिख रहा है। और अभी हम इनके घर के मेन गेट के पास भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये रहा आगे जुहू के तरफ जाने वाला, आगे चले जाएंगे बस से तो जुहू चले जाएंगे, उसके बाद अंधेरी चले जाएंगे और इधर पूरा मेट्रो का काम चल रहा है तो कुछ इस प्रकार है। और चलिए अब इनके घर के नज़दीक में चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं। और इनके घर का दो गेट है, तो एक इस रास्ते से आगे जाएंगे वहाँ भी एक गेट है और ये इस घर का मेन गेट है। तो दोस्तों फाइनली हम किरण कुमार जी के बंगले के मेन गेट के पास आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस बंगले का नाम है जीवन किरण। दोस्तों आपको बता दें किरण कुमार जी का जन्म 20 अक्टूबर 1945 को मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ था। किरण कुमार एक कश्मीरी पंडित परिवार से है और उनके पिता का नाम जीवन कुमार है, इसीलिए इस बंगले का नाम जीवन किरण है। आप लोग इसीलिए इस बंगले को के मेन गेट पर जीवन किरण यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें किरण कुमार एक भारतीय थिएटर अभिनेता है जो हिंदी, राजस्थानी, गुजराती फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत हिंदी टीवी जगत से की है, जिसमें उनकी प्रसिद्ध टीवी सीरियल धर्म युद्ध, शपथ, आंधी, अरमान, एहसास, घुटन, मंजिल, मर्यादा, मिली, वैदेही, विरासत, संयुक्त और वारसी है। और दोस्तों यहां से इधर आप जाएंगे तो उनके सेकेंड गेट के पास चले जाएंगे। तो दोस्तों किरण कुमार जी के घर को वहाँ पे जो मिट्टी रखा हुआ है, मेट्रो का घेरा है, वहाँ से उनके घर का फर्स्ट गेट दिखा रहे थे और अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से इनके घर का सेकेंड गेट दिखता है। और यहाँ भी इस गेट पर आप देख सकते हैं जीवन किरण लिखा हुआ है और यहाँ पे नाले का काम हो रहा है तो ये गेट अभी नहीं खुला हुआ है। और आप यहाँ से भी इनके घर को देखें तो इधर भी पूरा हरियाली भरा पड़ा है और इनके हर बालकनी में पूरा बड़ा बड़ा खिड़की है आप लोग देख सकते हैं। और इधर भी देखेंगे तो इनके खिड़की के अंदर में वो व्हाइट कलर का पूरा पर्दा लगा हुआ है। दोस्तों किरण कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर के एक बोर्डिंग स्कूल से की, उसके बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा में आरडी नेशनल कॉलेज में दाखिला लिए और उसके बाद पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिए। दोस्तों आपको बता दें किरण कुमार जी के पत्नी का नाम सुषमा शर्मा है जो कि एक गुजराती अभिनेत्री है। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।